एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह हो रही है शहद और नींबू के पानी से शुरुआत, क्योंकि अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए नींबू और शहद का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ चने स्प्राउट कर लिए हैं। स्प्राउट चने से हमें दिन भर एनर्जी बनी रहेगी उसको खाने से, और वेट लूज करने में भी आसानी होगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सेहत का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी वेल्थ है। और अच्छे शरीर में, अच्छे दिमाग में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, अच्छे शरीर में ही। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है पूरे शरीर को, शरीर के लिए, फिटनेस के लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे एमएड का एग्ज़ाम शायद जून या जुलाई में हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि पढ़ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मौसम देखिए कितना सुहावना हो रहा है। यहाँ पे लगाई है मैंने मशीन में धुल रहे कपड़े, क्योंकि मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो एक साइड मैंने मशीन लगा ली, दूसरी साइड किचन में मैंने दूध वगैरह बॉयल करने रख दिया था। यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है। दूध बॉयल करने के बाद मैंने कुछ मैंने मछलियों को दाना डाला था, क्योंकि हमारे घर में मछली हैं तो मैंने उनके लिए दाना डाला था। और उस रूम में परी सो रखी थी और अंधेरा हो रखा था, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माँ में जल चढ़ाने के लिए अपना लोटा साफ़ कर लिया। यहाँ पे मैंने नींबू से ही उसको रगड़ लिया है, नींबू से एकदम साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मेरा मिनी ब्रेकफास्ट शुरू हो गया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट से और स्प्राउट वगैरह से हमें एनर्जी पूरी बनी रहती है और चेहरे का ग्लो भी नहीं जाता। यहाँ पे नाश्ता भी शुरू हो गया है। नाश्ते में बनाया है एग, पराठा और चाय। मैम ने दिया माजा पाऊ को मैम ने दिया। आ गई स्कूल से? हाँ, पी लो, सारा पी लो, फिनिश कर दो गम। पे मैंने लस्सी बना ली है और फ्रूट भी काट के रखे हुए हैं। और एक केला तो परी स्कूल से आई, उसने खा लिया था। और अभी मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं हो रहा था, तो पहले मैंने लस्सी बना ली। फ्रूट मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे लस्सी पी रही हूँ। लस्सी थोड़ी ठंडी हो रही है। क्या चाहिए? फ्रूट्स ले बड़ी। क्या ये? कोई बात नहीं, सुसु दो। पाऊ, पापा को बताऊंगी आप इसके ऊपर चढ़े थे। तो गाइस, हम यहाँ स्कूल से आ गए हैं, है ना पाऊ, है ना पाऊ। पाऊ को स्कूल से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरी गोदी से भी दोबारा दोबारा जा रही थी स्कूल में, इसे बहुत मजा आता है। लंच भी बन चुका है और लंच में सिंपल सी अरहर की दाल, दही, थोड़े से चावल और सैलेड है। तो अब हम लंच कर लेते हैं। पाऊ, भत्तू खा रहा है? खाओ भत्तू। इंस्टाग्राम की रील बनाने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है बनाना, क्योंकि बीच बीच में हमें खाना भी जरूरी है, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाई चाय, अदरक इलायची वाली मैंने चाय बनाई यहाँ पे। और मैं उसके साथ लूँगी स्नैक्स में मखाने, तो मैंने मखाने भी निकाल लिए हैं, क्योंकि मखाने अभी अभी लाए थे शॉप से। और यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ, घी में ही मैं मखाने भूनूंगी। यहाँ पे चाय बनके भी रेडी हो चुकी है और मखाने भी बन चुके हैं, तो शाम का स्नैक्स मैं यहाँ पे खा लेती हूँ फटाफट। गाइस, परी यहाँ पे उठ चुकी है और उठते ही उसने मांगा ये पॉलिथीन, उसके अंदर बॉल। और जब ये सो रही थी ना, तो मैंने इसके हाथ से छीन के नीचे फेंका था। अब इसने उठते ही वो मांगा। और परी क्या, और अब मैं देती हूँ उसे मखाने, क्योंकि मैंने चाय वगैरह बना ली, उसके बर्तन वर्तन धो दिए, झाड़ू वगैरह मार लिया, बस बिस्तर मुझे सेट करना है। मैंने परी के सोने पर बहुत सारे काम कर लिए। परी उठ गई है, इसको मैं मखाने देती हूँ, केला वगैरह जो भी ये खाएगी, है ना पाऊ। उसके बाद अगर थोड़ी देर में ये शांत रही तो करूँगी थोड़े घर के काम, और जैसे कि मैंने कपड़े थोड़े मैंने कपड़े तय करने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, इसके कपड़े धोने हैं। इसके कपड़े तो पूरे दिन भर होते रहते हैं,
कपड़े धोने, कपड़े तय करने, और इसको ले जाऊंगी शाम को पार्क में। ओके, देखते हैं आगे क्या क्या होता है फिर, है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में, सी यू लेटा बेबी, सी यू लेटा, बाय बाय। कर दो गुस्सा, कर दो गुस्सा। अमेजिंग। गिर जाएगी उसमें से, गिर जाएगी, अटक गई। तो गाइस अभी हम टहलने गए थे और पार्क के वहां पे एक बेलपत्तर का पेड़ था, तो वहां पे एक बेलपत्तर गिरा हुआ था, तो हम वहां से ले आए। और परी अभी बगल वालों के घर जा रखी है, और अभी बिस्तर पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मुझे वो तय करने हैं, और उसके बाद मैं बनाऊंगी आज तोरई की सब्जी। तो गाइस अभी सब्जी बेचने वाली आई थी, तो मैंने तोरई और खीरा ले लिया है, आज मैं तोरई की ही सब्जी बनाऊंगी। तो गाइस तोरई की सब्जी बनाने के लिए मैंने बहुत सारा प्याज काट लिया है, इसमें बहुत सारा प्याज अच्छा लगता है, और लहसुन, मिर्च, और ये तोरई, और ये थोड़े से चने डालूंगी इसमें, ये थोड़े से बचे थे स्प्राउट वाले चने, तो मैंने सोचा थोड़े ही डाल देती हूँ। और बाकी यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, आटा पहले गूंदने से आटे का खमीर उड़ जाता है, तो वो हेल्दी भी होता है और सॉफ्ट भी हो जाता है पहले गूंदने से। और ये सब्जी मैं बनाऊंगी कुकर में, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी तेल, जीरा, लहसुन, फिर प्याज को फ्राई करूंगी, और उसके बाद मैं डाल दूंगी उसमें ये चने, और चने और प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें तोरई डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। हमने डिनर कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कल सुबह के लिए चने भिगा दिए हैं, और इसमें थोड़े से छोले भी डाल दिए हैं क्योंकि चने थोड़े कम हो गए थे, तो कल मैं चने की सब्जी बनाऊंगी। और इसमें ही मैंने थोड़े से बादाम भिगा दिए हैं सुबह के लिए, और इसमें मैंने दही जमा दिया है। और अब हम जा रहे हैं खाने को पचाने, पार्क में टहलने, और इस व्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, बस व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय बाय।